अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो अल्लाह ताला सबको ढेर सारी खुशियाँ दें। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, और वो है आपको बेबीज़ का हर मंथ वीडियोस बनाने के आइडियाज़, जब वो 1 मंथ के होते हैं या नेक्स्ट 2 मंथ 3 मंथ। तो यहाँ पे अमल का फर्स्ट मंथ का जो मैंने फ़ोटोशूट किया था उसके अंदर सिंपल मैंने वाइट चादर ली थी बेड के ऊपर, और साथ जो 1 लिखा था वो मैंने टिश्यूज़ लेके 2 कलर्स में, क्योंकि इसका आउटफिट पिंक कलर में था तो मैंने टिश्यूज़ लिए और पिंक लाइट पिंक वाले, और फिर उनको यूं ज़रा हाथ से कर कुर के तो मैंने 1 बना दिया। और साथ किसी पिक में मैंने लाइटिंग ऐड कर दी, और किसी में मैंने इसको कैप दे दी थी ऊपर, एक दो पिक्स में मैंने इसके सर पे हेडबैंड लगा दिया था। तो डिफरेंट आइडियाज़ थे, मैंने कुछ आइडियाज़ नेट से भी पिक्स में लिए थे मंथ्स में, कुछ आइडियाज़ मेरे खुद के भी थे, मैंने खुद भी सोच के जो है उस तरह किया था। तो मैंने इसमें लाइट शेड रखा था ना, इसलिए हर चीज़ लाइट थी सिवाय उसका जो हार्ट पड़ा हुआ है। सेकेंड में मैंने नीचे जो रैपिंग शीट ली थी वो कलरफुल ली थी, इसके जो नीचे बिछाई थी डिफरेंट कलर्स थे, तो उसके लिहाज से मैंने इसका जो रोम्पर था वो भी पिंक कलर में, येलो लाइट सा कह लें, येलो सा बहुत अच्छा सा कलर था। और उसके साथ मैंने इसके जॉनसन्स के जितने भी प्रोडक्ट्स थे क्योंकि वो सारे कलरफुल से आ रहे थे, और नीचे मैंने थीम सा भी कलरफुल लिया था, तो मैंने उसके साथ जो है वो 2 लिखा था सबका। तो ये वाला भी बहुत मज़े का रहा, इसमें भी कुछ पे मैंने कैप दी क्योंकि थोड़ी ठंड हो गई थी, पिंक कलर की मैंने साथ कर ली मैचिंग, और कुछ पे मैंने बैंड हेडबैंड लगा दिए थे। तो यहाँ पे ना सेकेंड 2 मंथ्स की जब ये हुई थी ना तो कलर बहुत चेंज करी थी, तो इसका कलर इतना डल आया है ना, जो सेकेंड इसका मंथ का फोटोशूट था, मतलब उसमें कह लें कि फुल टन किस्म के जो है ना इसका कलर डल हुआ हुआ था, क्योंकि बच्चे कलर चेंज करते हैं। उसके बाद जब 3rd मंथ आया तो उसके अंदर मैंने इसका ये वाला रोम्पर चूज़ किया, टोटली बेबी जो था इसका रोम्पर फर वाला है, ये बहुत मज़े का रोम्पर है, इस पर माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता था। और इसमें मैंने नीचे वाला जो था वो डार्क कलर लिया, डार्क ब्राउन, और ऊपर लाइट सा कलर है ब्राउनिश सा, और साथ मैंने जो है ना पैम्पर्स के साथ जो इसके पैम्पर्स पड़े हुए थे उनके साथ मैंने 3 लिखा, ये थोड़ा सा आइडिया लिया मैंने। और इसकी पिक्स बहुत अच्छी आई मुझे, जो इसका 3 मंथ वाला एक फ़ोटोशूट है और एक कुछ फ़ोटोशूट जो आगे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी, वो मेरा फेवरेट था। 1st मंथ वाला भी मुझे बहुत पसंद था, 3rd मंथ वाला भी इसका फ़ोटोशूट मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो कुछ अंदर थे जैसे 2nd मंथ वाला सारा सेटअप बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी पिक्स नहीं अच्छी आई क्योंकि इसका मूड बहुत ख़राब हो गया था। उसके बाद मैंने इसका 4 मंथ का फ़ोटो शूट किया, इसमें मैंने जो इसके बैकग्राउंड था वो कलरफुल सा रखा, और उसी कलर के लिहाज से ड्रेस मैंने इसका डिसाइड किया, लाइनिंग में था पैरेट से कलर का और ग्रीन सा शेड था पैरेट। और उसके बाद जो इसके टॉयज थे उसके साथ मैंने 4 लिखा, जितने भी इसके टॉयज थे, ये इसके कुछ टॉयज थे वो इसके प्ले मैट के थे, कुछ इसके वैसे ही टॉयज थे, तो सारे मैंने मिक्स करके तो उनके साथ 4 लिखा। ये एक मैंने आइडिया लिया, ये जितने भी आइडियाज़ हैं आपको इजीली घर वाली चीज़ों से, बेबी की चीज़ों से, आप किसी भी चीज़ से इसका कर सकते हैं। और जितने भी इसके नीचे जो नीचे वाला चीज़ यूज़ हुई है ना वो तकरीबन सारे कंफर्टर्स ही हैं जो यूज़ हुए हुए हैं, ये वाला भी, पीछे जो ब्लू डार्क ब्राउन वाला था वो भी, उससे पीछे तो बेड के ऊपर मैंने बस शीट बिछाई थी, और यहाँ पे भी हेडबैंड इसको लगा दिया कहीं पे। तो माशाल्लाह ये 4 मंथ्स की हो गई थी तो इसका 4 मंथ का यहाँ पे फोटोशूट हुआ। तो आप डिफरेंट, ये जस्ट मैं आप लोगों के साथ आइडियाज़ के लिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी इस तरह अपने बेबीज़ का जो है वो फ़ोटोशूट कर सकते हैं जिस तरह मैंने किया, क्योंकि मुझे बहुत शौक था शुरू से कि मैं इस तरह इसका फ़ोटोशूट करूँगी। उसके बाद माशाल्लाह 5 मंथ का फ़ोटोशूट, ये फ़ोटोशूट मेरा फेवरेट है इसका, और इसने बहुत अच्छे से करवाया था। यहाँ पे भी नीचे वाला लाइट थीम रखा है क्योंकि उसके ऊपर ज़रा डार्क सा कलरफुल सी चीज़ें आनी थी। यहाँ पे मैंने 5 जो था ना वो सॉक्स के साथ लिखा था, जितनी भी हमारी सॉक्स थी उनको अच्छे से रैप करके एक दूसरे में उनको वो बना के, तो उससे 5 लिखा। और मेकअप प्रोडक्ट सारी मैंने डिफरेंट खोल के सब कुछ करके मैंने उनको डिफरेंट बखेर दिया, और इसको जो है मैंने जस्ट टॉवल में रैप किया,
और उसके अलावा कहीं पे मैंने इसके फेस पे थोड़ी सी वो लगा के ना लोशन सा, और ऊपर खीरे रख दिए, और यहाँ पे इसको एक ब्रश दे दिया और आराम से ब्रश के साथ खेल रही थी। बहुत ये मेरा फेवरेट फ़ोटोशूट है जो इसने करवाया। उसके बाद 6 मंथ पे आ जाते हैं। 6 मंथ में मैंने जो इसका फ़ोटोशूट किया था, ये भी मेरा जो था वो दुपट्टा था, उसको मैंने अच्छे से वो बल दे दिए, और बल देने के बाद मैंने उसका 6 बना दिया, और साथ पीछे जो बैकग्राउंड था वो मैंने प्लेन वाइट किया लाइट, और उसके ऊपर मैंने ये जॉनसन्स की प्रोडक्ट्स जो थी ना वो डिफरेंट बिखेर दी थी। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इस पर इसका जो बॉडी सूट था वो इनर सा, वो मैंने इसको पहना दिया था ऐसे ही, तो ये बहुत मज़े की लग रही थी, बहुत प्यारी सी क्यूटो सी। और यहाँ पे इसका मैंने हेयर बैंड लगा दिया था कहीं पे, और कहीं पे नहीं भी है, तो ये तब तक की बात है जब तक ये ज़्यादा हिलजुल नहीं सकती थी और ज़्यादा मतलब कह लें सुकून से लेट जाती होती थी। तो उन मंथ्स में तो इसका फ़ोटोशूट सही रहा। यहाँ पे ये बैठ जाती थी मतलब, लेकिन ये है कि ज़्यादा वो नहीं थी, बैठ सकती थी लेकिन वो चलने फिरने क्रॉलिंग वाली इसके सीन्स नहीं स्टार्ट थे। तो ये वाला फ़ोटोशूट भी इसका बहुत अच्छा रहा। मैंने हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखा है, अगर ऊपर मैं उसके चीज़ें जो 6th या 7th लिख रही हूँ वो मैं अगर लाइट से लिख रही हूँ तो नीचे वाला बैकग्राउंड जो था वो मैं डार्क करती थी, और अगर मैं डार्क चीज़ से लिख रही हूँ तो बैकग्राउंड में लाइट लेती होती थी, क्योंकि इससे मतलब बहुत अच्छी आपकी एक तो पिक की लोकेशन बहुत अच्छी बन जाती है, पिक्स बहुत अच्छी आती हैं, फ्रेश सी आती हैं, कलर ज़्यादा वो जैसे कहते हैं ना उठते हैं फिर कलर उसके ऊपर, अगर प्लेन कोई चीज़ लें और उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें लिखें। तो यहाँ पे ये 7th मंथ का फ़ोटोशूट था और इसमें मैं लेट हो गई थी, तो ये जो है ना फ़ोटोशूट मैंने बहुत जल्दी जल्दी में इसका किया था, और ज़्यादा इस पर मैंने ना वो कह दें एफर्ट नहीं की थी। फ्राइडे था, मैंने इसको नहलाया हुआ था, वाइट सूट पहनाया था, तो बेडशीट ये सिंपल बेडशीट पे मैंने कर लिया, बेडशीट बिछी हुई थी नीचे, फिर वो डार्क से कलर्स थे तो वाइट इसने पहना हुआ था, तो मैंने अपनी वाइट चादर ली और चादर के साथ मैंने उसको अच्छे से फोल्डिंग की, चादर की बारीक सी पट्टी बना ली सैश सी, और उसके साथ मैंने 7 लिख दिया। लेकिन ये फ़ोटोशूट भी इसका बहुत अच्छा गया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। सिंपल सा है लेकिन वो एक जिस तरह कह रहे हैं कि कलर्स नीचे काफ़ी सारे हैं और ऊपर प्लेन आप एक वाइट सिर्फ यूज़ कर रहे हो, तो उससे भी बहुत अच्छी इसकी लुक आ गई थी। या आप ऐसे कह लें कि जैसे जैसे ये बड़ी होती जा रही थी ना मेरा एनर्जी लेवल डाउन होता जा रहा था, तो जो डेकोरेशन की वो तादाद थी ना वो इसके पिक्स में वो दिन ब दिन कम होती जा रही थी। लेकिन जो है ना फिर भी ओवरऑल इसका सारे मंथ्स का फ़ोटोशूट बहुत अच्छा हुआ था माशाल्लाह से। और यहाँ पे माशाल्लाह से 8 मंथ की हो गई है मेरी बेटी अमल फातिमा, और यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि ये भी बेडशीट थी, बेड पे बिछी हुई थी, तो मैंने इसी के साथ इसको सेट किया। मैंने ना इसका ड्रेस भी थोड़ा सा इन्हीं कंट्रास्ट में लिया, और इसके ब्लॉक्स थे मैंने उसके साथ 8 लिखा, लेकिन आप देख रहे हैं ना इसकी फुदकनियाँ, यहाँ जाके इसको थोड़े से पर लगना शुरू हो गए थे और इसके पर पुर्जे निकल आए थे। तो ये वाला फ़ोटोशूट इतने बहुत मुश्किल से कराया था, बहुत बहुत मुश्किल से मैंने बहुत बमुश्किल कह लें 2-3 पिक्स इसकी ठीक आई थी। उसके बाद आते हैं 9 मंथ के फ़ोटोशूट पे। यहाँ पे भी मैंने इसको बस चेंज कराया, चेंज कराने के बाद मेरा एक दुपट्टा था, और यहाँ पे इसके रोने धोने देख रहे हैं। 9 मंथ में भी जो है ना जब मैंने इसका फ़ोटोशूट किया तो इसको खूब रोने धोने पड़े हुए थे, तो बस मैंने भी जैसे तैसे जान छुड़वा ली कि मैंने कर लिया, क्योंकि जो है ना वेकेशंस एंड हो चुकी थी और मतलब आप कह लो एंड होने वाली थी, और फिर बस बिज़ी हो गई थी मैं काफ़ी उन दिनों, तो नहीं कर पा रही थी। तो बस मैंने सिंपल सा दुपट्टे को ही रैप करके उसके साथ ही 9 लिखा और इसको ड्रेस चेंज करवाया और इसका 9 मंथ का फ़ोटोशूट किया। यहाँ पे इसका मैंने 10 मंथ का फ़ोटोशूट किया था। ये 10 मेरे पास पहले का लिखा हुआ था, सिस्टर की बर्थडे की थी ना मैंने, तब मैंने ये बनाया था उसकी बर्थडे के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने नीचे जो इसका बैकग्राउंड लिया है वो लाइट लिया है, और ऊपर 10 जो है वो डार्क कलर में आ गया। और अब तो माशाल्लाह से ये इसके हालात ऐसे ही नहीं थे कि मैं इसे लटाती थी और उठ के बैठ जाती थी, मैं इसे दोबारा से लटाती थी और ये उठ के बैठ जाती थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने बस इसकी 10 मंथ की ऐसी पिक्स ली हैं, क्योंकि अब इसके लेटने वाले सिस्टम ख़त्म हो चुका है इसके अंदर से, और माशाल्लाह इतनी शरारती हो गई है ना, और यहाँ पे देख लें इसकी शरारतें। तो लेकिन ये है कि मुझे ओवरऑल 10 मंथ और 11 मंथ दोनों फ़ोटोशूट बहुत इसके पसंद है, स्पेशली 11 मंथ वाला जो इसका फ़ोटोशूट है ना वो सब में फेवरेट है। मतलब 11 मंथ वाला मेरा मोस्ट फेवरेट है, और 5 मंथ वाला भी मेरा फेवरेट है, लेकिन 11 सबसे ऊपर है।
यहाँ पे 10 मंथ वाला भी इसका फ़ोटोशूट बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे बस मैंने उसी से ब्लू से मिलता जुलता एक जो है डोरेमान का कंट्रास्ट का वो रख दिया और वाइट एक पीछे वो रखा। और ये माशाल्लाह से 11 मंथ का इसका फ़ोटोशूट है, आप देख लें माशाल्लाह। इतनी ये प्यारी लग रही थी उस दिन बाय चांस सॉरी मतलब ये उस दिन इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूटू लग रही थी। और एप्पल्स के साथ मैंने 11 लिखा था और एक एप्पल मैंने इसके हाथ में दे दिया था बाइट करके, तो ये उसके साथ लगी हुई थी और आराम से इसका फ़ोटोशूट हो गया। तो ये आराम से सुकून से सिर्फ इससे 11 मंथ में लेटी हुई है कि इसको एप्पल पकड़ाया हुआ है। तो जब मैंने इसका बर्थडे का फ़ोटोशूट किया था ना, उसमें भी मैंने इसको स्लेंटी एप्पल पकड़ा दिया था, तो ये थोड़ी देर सुकून से बैठ गई। और यहाँ पे देखें कैसे भाग रही है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब उनका लिटा के अच्छे से फ़ोटोशूट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बैठने वाले हो जाते हैं, क्रॉलिंग करने वाले हो जाते हैं, तो फिर वो सिस्टम ख़त्म हो जाता है उनका कि उनका लिटा के फ़ोटोशूट किया जाए। मैंने फिर भी अपनी पूरी ट्राई की हर मंथ के फ़ोटोशूट में और बहुत अच्छा फ़ोटोशूट करने की इसकी ट्राई की, क्योंकि यादगार होती है, बड़ी होगी तो इसको दिखाऊंगी कि देखो मैंने तुम्हारा हर मंथ का कैसे फ़ोटोशूट किया था, मेरे पास मेमोरीज रह जाएंगी। तो माशाल्लाह 11 मंथ की ये इतनी प्यारी लग रही थी गुड़िया मेरी, माशाल्लाह अल्लाह ताला इसके बहुत अच्छे नसीब करे। तो माशाल्लाह दिन ब दिन बहुत प्यारी होती जा रही है। तो यहाँ पे कुछ मैंने इसके साथ थोड़ी सी पिक्स बनवाई थी वो हैं कुछ, और वो अपने काम में लगी हुई है आराम से, अपना वो जो है एप्पल को एंजॉय कर रही है। उसको मामा की कोई परवाह नहीं है, मामा उसको बुला रही हैं, उसके साथ पिक्स बनवा रही हैं। उसके बाद 12 मंथ का मैंने इस तरह सेपरेट से नहीं किया था, बस जो इसकी बर्थडे वाली पिक्स थी वही इसका 12 मंथ कंप्लीट हो गए और ये 1 ईयर की हो गई। तो बस वो 1 के साथ मैंने इसका जो है वो बर्थडे वाला फ़ोटोशूट किया सेपरेट से। मैंने 12 मंथ का इस तरह से एज सच 12 लिख के नहीं किया था, क्योंकि वो 1 ईयर की थी, तो 1 लिख के आराम से इसका फ़ोटोशूट हो गया यहाँ पे। तो माशाल्लाह से 1 ईयर की हो गई है मेरी प्रिंसेस, 1 साल कंप्लीट हो चुका है और अल्लाह ताला ऐसी इसको ढेरों ढेरों साल जो है वो देखने नसीब करे, अल्लाह ताला इसकी बहुत अच्छी किस्मत करे और अल्लाह ताला सब बेटियों की सबकी किस्मत बहुत अच्छी करे, बहुत अच्छी नसीब करे। तो मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।